हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम यूनुस गजाली है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास आ गया है रियल मी जी टी टू प्रो। मैं जानता हूँ काफ़ी इंतज़ार था इस वीडियो का। आप लोग खुश होंगे इस वीडियो को देख के। आप लोग खुश होंगे तो मैं इससे ज़्यादा खुश होंगे। और इसी के साथ साथ ये रियल मी का सबसे पहला फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जो रियल मी ने बनाया है। और काफ़ी अच्छी इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है। कुछ जगहों पर डिसअपॉइंटमेंट होगी आपको। प्राइस भी अच्छे हैं, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। और इसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में जो हूँ इसकी गेमिंग टेस्ट करूँगा और चार्जिंग टेस्ट करूँगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जैसी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं अंदर हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। लेट्स अनबॉक्स दिस। बॉक्स हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। थोड़ा सा लंबा सा है ये, और इसके फ्रंट में ही लिखा हुआ है जी टी टू प्रो और सिग्नेचर किया गया है ये, क्योंकि ये स्पेशल एडिशन है और 5G सपोर्टेड है रियल मी। राइट साइड में लिखा हुआ है चनवो जी टी टू प्रो और लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है रियल मी। और इसी के यहाँ पे कुछ ऐसी ब्रांडिंग नहीं की गई है। और नीचे जो है यहाँ पे आपको मिल जाती है कुछ मज़ी सी चीज़ें। चनवो जी टी टू ब्रांडिंग यहाँ पे की गई है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा गया है कि कितना GB का है। 256 GB इसका स्टोरेज है, 12 GB इसकी रैम है। बाकी कोई इसके अंदर ख़ास स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो हम इसे देखते हैं अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सो फर्स्ट लेयर पे ये हमें चीज़ मिल जाती है, देखते हैं क्या है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन है इसके अंदर लिखी हुई, और इसके अलावा भी मज़ीद भी डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद ये सेल फोन हमें मिल जाता है यहाँ पे, इसे साइड पे रख देते हैं। और ये जो बॉक्स है ये रिसाइकल हो सकता है क्योंकि ये कागज़ से बना हुआ है। उसी के साथ साथ हमें मिल जाता है एक TPU का केस जो ग्रे कलर का है, और यहाँ पर भी इसका सिग्नेचर लिखा हुआ है। और इसी के बाद हमें मिल जाता है एक 65 वॉट का फास्ट चार्जर, और इसी के साथ हमें मिल जाती है एक USB टाइप सी की केबल। तो फ़िलहाल ये चीज़ें हमें मिली हैं इसके अंदर। और अब हम देखते हैं अपने सेल फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। ये ऑन हो चुका है, Realme powered by Android। तो मैं इसकी सेटिंग करता हूँ और उसके बाद हम मिलते हैं। सेटअप इसका मुकम्मल हो चुका है। बात करते हैं इसके साइड्स की। साइड्स जो है हमें मेटल की मिली है। लेफ़्ट साइड पे जो है वॉल्यूम रॉकर मिला है। राइट साइड पे जो है इसका पावर बटन मिला है जो काफ़ी अच्छे टेक्सचर के साथ दिया गया है। ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छी सी डिज़ाइनिंग दी गई है। नीचे की तरफ जो है ये स्पीकर मिला है। स्पीकर जो है हाईरेस एंड डॉल्बी के साथ आया है। इसी के साथ हमें मिलती है चार्जिंग की पोर्ट अपनी, और इसके साथ मिलता है अपने सिम कार्ड स्लॉट। देखते हैं इसमें कितनी सिमें लग सकती हैं। तो इसमें 2 नैनो सिमें लग सकती हैं एट द सेम टाइम। तो एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं हो सकती है इसके अंदर। अब बात करते हैं हम इसकी डिस्प्ले की। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा मिला है। 6.67 इंचेस की हमें बड़ी सी स्क्रीन मिली है, और आप देख सकते हैं इसके राइट लेफ़्ट और ऊपर नीचे जो है बेजल्स काफ़ी कम मिले हैं, जिसकी वजह से ये डिस्प्ले को काफ़ी अच्छा करता है। डिस्प्ले हमें मिलता है फ्लैट, और इसी के साथ साथ हमें मिलती है 2K सुपर एमोलेड डिस्प्ले 3260p की, और ट्रू 10 BIT कलर्स देता है जो उसके लिए वीडियोस देखने के लिए, गेमिंग खेलने के लिए काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस देगा। और इसी के साथ मिलता है हमें FHD एंड Quad HD रेजोल्यूशन जो अमेजिंग है। 120Hz का हमें मिलता है रिफ्रेश रेट। फिंगरप्रिंट सेंसर हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरा है। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है अंडर डिस्प्ले दिया गया है, मैंने फिंगरप्रिंट अपना कर दिया है। और इसकी स्पीड देखते हैं, ये भी आपने देखी, ये फिर हर बार ये अपना वॉलपेपर चेंज करेगा। ये काफ़ी खूबसूरत सा डिस्प्ले हमें मिल जाता है। जिन्हें इसकी रैम कम लगती है वो इसे बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंडेबल इसकी रैम लगाई गई है। 7GB, 5GB, 3GB तक ये जा सकता है। और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं अपने प्रोसेसर की। Realme के फर्स्ट स्मार्टफोन में आया है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, जिसको काफ़ी ख़ास कर देता है। और इसका Realme
UI आया है 3.0 अप टू डेट, जो आज की तारीख में ये सबसे ज़्यादा है। माइल एक कंपनी है जो दावा करती है Realme के अंदर सबसे तेज़ एंड्रॉयड आया है अब तक का, एंड्रॉयड 12। Realme GT 2 Pro का जो ये बैक कवर है, इसकी वजह से ये स्मार्टफोन काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इसका बैक मटेरियल जो है बायोपॉलीमर से बना है, ये रिसाइकल पेपर से बना है। इट फील्स लेदर बट इट्स नॉट, काफ़ी अच्छी आपको ग्रिप देता है और काफ़ी बड़ा भी नहीं है, काफ़ी अच्छा सा लगता है इस कलर में, अमेजिंग। इसके बैक के टॉप राइट साइड पे हमें मिल जाता है एक छोटा सा डिज़ाइन जो बनाया गया है Realme डिज़ाइन बाय हुएवर, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन सिग्नेचर किया गया है इसको, काफ़ी अच्छी लुक देता है ये। ये जो सिग्नेचर आया है ये स्पेशल एडिशन में आया है। स्पेशल एडिशन का मतलब है कि दो कलर्स आए हैं स्पेशल एडिशन के, ग्रीन और एक हाफ वाइट, जो उन पे ये आपको सिग्नेचर मिलेगा, जिसको ये काफ़ी अच्छा कर देता है। कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करना कैसे भूल सकते हैं, इस स्मार्टफोन के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड लार्जेस्ट इंटरनल कूलिंग सिस्टम लगा है, जो अमेजिंग है। गेम खेलते वक्त आपका सेल फोन हीट नहीं करेगा। इतनी बातें की हैं, क्यों ना इसकी बेंचमार्क के स्कोर की बात की जाए। ये अब तक के स्मार्टफोन के सबसे बेहतरीन स्कोर करने वाला स्मार्टफोन है, 97 लाख से ऊपर इसका रिजल्ट आया है, जो सबसे बेहतरीन है, Realme GT 2 Pro। और इसके बाद अगर हम इसके दूसरे रैंकिंग के सेल फोन देखें तो इसका नाम अभी टॉप पे आ चुका है। दूसरे पे आया है Redmi Magic 6, फिर आता है Realme GT जो इससे पहले आ चुका है, वो 81 है, और सबसे बेहतरीन जो है ये है Realme GT 2 Pro, विच इज सेज माई डिवाइस अमेजिंग। स्मार्टफोन अच्छे लेंसेज के बगैर अनकम्प्लीट है, काफ़ी अच्छा सा इसका डिज़ाइन बनाया गया है इसके लेंसेज के लिए, दो बड़े से लेंसेज मिले हैं और एक छोटा सा लेंसेज, काफ़ी अच्छा इसको बना देता है। पहला इसका प्राइमरी लेंस है 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766, और दूसरा आता है 15 मेगापिक्सल, वो भी 15 मेगापिक्सल है, अल्ट्रा वाइल्ड लेंस, जो 150 एंगल तक आपको अच्छी तस्वीर लेके देगा। और तीसरा हमें मिल जाता है मैक्रो लेंस, वो है 2 मेगापिक्सल, सिर्फ 2 मेगापिक्सल मिला है, हो सकता था ऐसे 4 मेगापिक्सल भी कर सकते थे तो काफ़ी अच्छा होता। और इसके हम फ्रंट कैमरा की बात करें, वो है पंच होल जो लेफ्ट साइड पे हमें मिला है, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेफ्ट साइड पर मिला है, 32 मेगापिक्सल का है पंच होल इसका, काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है। देखेंगे इसका रिज़ल्ट फ्रंट का बैक का, मैं अभी जा रहा हूँ बाहर इसकी वीडियोस बनाने के लिए, इसकी कैमरा टेस्टिंग के लिए, तस्वीरों के लिए, तो चलते हैं फिर। इसके कैमरा में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, नाइट मोड है, स्ट्रीट है, वीडियो है, फोटो है, पोर्ट्रेट है, 50 मेगापिक्सल है और मोर में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किए। और इसका 50 मेगापिक्सल भी है, 3D फोटो भी है, और हम इसकी वीडियो बना के देखते हैं एक कितना जूम तक ये कर सकता है। ये मैंने वीडियो स्टार्ट की है अपनी, और वहाँ पे देखते हैं कि जो रोड है ये 2 मेगापिक्सल, 3, 5, 8 और ये जाएगा सिर्फ 10 तक। वो है एक रोड जो एक साइकिल जा रही है, कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं, तो इसने इतना जूम किया। अब देखते हैं कहाँ तक हमने जूम किया था, वो वहाँ पे है और इसने इतना दूर तक का जूम किया है, विच इज़ अमेजिंग। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं इसकी वीडियो की सेटिंग। वीडियो जो है आपको मिल जाती है 720p से स्टार्ट होकर 8K तक जाती है। 4K की अभी रिकॉर्डिंग करके दिखाई है मैंने, और 30fps और 60fps तक ये जाती है। नाइस। Think about the times you let me go. Falling through the cracks, emotional. I struggle to see what your reasons are. Sitting in your palace, silence breaks my heart. Turn the key, used to be our getaway car. Now I only wanna get away from where we are. Gotta find a way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming hard, I'm trying to keep this alive.
Realme GT 2 Pro के चार कलर्स आए हैं और चार वेरिएंट्स आए हैं. ब्लू, ब्लैक, हाफ वाइट एंड ग्रीन चार कलर्स आए हैं और चार वेरिएंट्स हैं. मैं इसकी प्राइस आपको RMB में बताऊंगा और स्क्रीन में डॉलर्स के प्राइस भी आएंगे, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कंट्री में. पहली वेरिएंट है 8GB 128GB जो प्राइस है 3699 RMB और दूसरी वेरिएंट है 8GB 256 3999 RMB. तीसरी है 12GB 256 4299 RMB की और चौथी है 12GB रैम 512 स्पेस 4799 RMB के ये कॉस्ट है. तो प्राइस आपके सामने है, कन्वर्ट कर सकते हैं. होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी. इस स्मार्टफोन के बारे में जो भी स्पेसिफिकेशंस थी, जो आपको जाननी थी, इस वीडियो मैंने क्लियर कर दी हैं. आपको बाय करने से पहले आपको पता होगा कि इस स्मार्टफोन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका गेमिंग टेस्ट करेंगे क्योंकि गेम खेलने वालों के लिए काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं इस स्मार्टफोन के अंदर. इसके अंदर वर्ल्ड्स का सबसे बेस्ट कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, आपके सेलफोन को हीट नहीं करेगा. तो हम उस वीडियो में जानेंगे गेमिंग के बारे में, उसकी चार्जिंग टेस्ट करेंगे, गेम्स खेलेंगे काफ़ी सारे इस सेलफोन के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर. और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में. जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें मेरी वीडियो को. मिलते हैं हम अगली वीडियो में. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. गुड बाय.